अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज फरहान परवेज, दिस इज आपका भाई राहिल शहजाद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। बढ़िया। आज हम एक और वीडियो लेके आप लोगों के पास हाजिर हुए हैं, जिस पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं बहुत लंबे अरसे के बाद। हमने एरियल व्यू वगैरह पे, सिटीज के एरियल व्यू पे रिएक्ट करते थे, अभी हम जा रहे हैं मुंबई 2020 के एरियल व्यू पे रिएक्ट करना। 2020 इज गोइंग टू बी एंड, तो फिर 2020 के ऊपर तो बनता है तो 2020 मुंबई का देखना तो बनता है कैसा रहा। 2021 शुरू होने वाला है, तो हम जरा इस वीडियो को देखते हैं, जरा ये 2020 में मुंबई कैसा लग रहा है एरियल व्यू। और इस ओरिजिनल वीडियो का लिंक और टाइटल टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मेक श्योर टू सपोर्ट द ओरिजिनल क्रिएटर, और इसके साथ साथ अगर हमारा रिएक्शन पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। मुंबई सो फार 2020। मुंबई सो फार में हमने कह रहे थे ना, एक बहुत रिक्वेस्ट आई है। ओह माय, ये तो वो है नवी मुंबई। नहीं, नवी नहीं है ये तो वो है ना, क्या है ये, मरीन ड्राइव, मरीन ने या बैंड्रा क्या था ऐसे कुछ था। मरीन ड्राइव भी अच्छी हो गई है अभी। मुंबई पूरा पानी के ऊपर है, पानी के ऊपर तो नहीं, सराउंड में पानी पानी है। एंटीलिया वही है ना, एंटीलिया। अलग ही नजर आ रहा है, $2 अरब का बना था। हाजी अली, हाजी अली। इस पे भी तो काम चल रहा है कि चलने फिरने के लिए इसका अच्छा साइड ट्रैक बन रहा है। हमने एक वीडियो देखी थी, इस पे भी कुछ चल रहा है काम, क्योंकि ट्रैक सही नहीं है इतना, उसको प्रॉपर बना रहा है। ये वो है, ये इंपीरियल बिल्डिंग ना, ये आ गए अंबानी सर का बंगला अपना। दिस इज कॉल्ड मुंबई में। लोधा टावर कहाँ है वो नजर नहीं आ रहा। लोधा ये रहा ना, ये लोधा जैसी बिल्डिंग तो है, वो है इनकम्प्लीट है, पुरानी वीडियो बनी होगी ये, लिखा हुआ था 2020। ये रहा, यही तो था वो। ये रहा लोधा टावर, वर्ल्ड हाईएस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग। टू गुड यार, हाँ आई लव दिस ब्रिज, बांद्रा कुर्ला ब्रिज ना। नहीं बांद्रा कुर्ला गलत कह रहा हूँ, बांद्रा ब्रिज है शायद, इस तरह है बांद्रा सी ऐसा ही कुछ है। खूबसूरत बहुत है यार मुंबई सिटी। ये रेलवे ट्रैक या अवल के वो होगा मोनो मेट्रो, हाँ, और मोनो मे भी मोनो। ये नवी मुंबई लग रहा है, ये है नवी। क्या हरियाली है ना यार, हरियाली हो गए तो ऐसी हो गए फरहान भाई। कौन सी जगह थी यार ये मुंबई की, नवी मुंबई होगा वहीं है हरियाली बहुत। सेकेंड सिटी ऑफ इंडिया बाय हाईएस्ट GDP, नंबर वन इज न्यू दिल्ली। ये क्या स्लम एरिया लग रहा है, एक स्लम एरिया में भी तो हमने रिएक्ट करा ना इंडिया के, मुंबई के, क्या नाम था उसका, उस पर पूरी प्रोडक्शन की वो की, सबसे बड़ी मार्केट थी एशिया की, स्मोक आया हुआ है लोग है। हाँ ये बिल्डिंग्स है यार, सनसेट, सनसेट का व्यू भी अलग ही है, नाइट व्यू मेरे भाई। ये है लोधा टावर, एक बिल्डिंग कंप्लीट है, दूसरी भी ऑलमोस्ट है, तीसरी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मुंबई सो फार 2020, ओह वाओ,
ये लोधा टावर ही है ना। यहाँ पे दिवाली की भी सेलिब्रेशन होती है, वो तुमने देखी है? दिवाली हो रही है मेरे ख्याल से ये अभी। दिवाली वाली ये येलो लाइट का जो आता है ना सी साइड के, बिल्कुल सी साइड के पास जो ये होता है कोस्टल रोड, इस पे जो येलो लाइट से पूरा जा रहा होता है ना, अलग ही लगता है। अच्छी थी 2020 में, असल में इतना ज़्यादा चेंज तो नहीं दिखा, लेकिन हाँ चेंज था। आप 2021 की जो वीडियो आएगी जो कुछ ही अरसे में आने वाली होगी, दो तीन, लेकिन मैं बताऊँ मैं इसमें इतना शौक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने देखी हुई है इससे पहले वाली, जो हमने जो इससे पहली जो इंडिया मुंबई की देखी थी ना, मुंबई सो फार ओरिजिनल जो देखी थी, ये तो 2020 है जो हमें सबसे पहली वीडियो समझो, हमें एक मुंबई की जो पहली वीडियो देखी, हाँ हमने देखी थी मुंबई सो फार, आई थिंक उस पर हमारे सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं अभी तक, सबसे ज़्यादा व्यूज़ उस वीडियो के ऊपर। वो आप मेंशन कर देना उसके अंदर, दिखाना लोगों को, अगर मैं आप आई बटन में डाल, आप पहले वो वीडियो देखना फिर उसके बाद ये वाली वीडियो देखना, आप बोलोगे यार वाकई जो आप फर्स्ट टाइम में आपने देखा था ना, वो आपने जो देखी थी चीज़, वो कोई चीज़ दिखाई गई थी इसमें। असल में हम देख चुके हैं और बहुत ज्यादा दफा देख, तो इतना हमारे लिए कोई शॉकिंग रिएक्शन नहीं होगा हमारा इस वीडियो के अंदर, वो इसलिए क्योंकि हमने मुंबई सो फार जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना, हमने वो सब कुछ देखा और हमें कुछ पता ही नहीं था उस वक्त तक, हमें इंडिया की प्रोग्रेस के बारे में कुछ पता ही नहीं था। है अच्छा, दूसरा ये कि अब तो हमको बिल्डिंग्स के नाम तक याद है, अभी आपने नोट करा होगा हमने जो चीज़ आ रही थी हम उसको बता रहे थे, काफी हद तक हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमें इनके बिल्डिंग्स का नाम पता है, और बिल्डिंग्स का नाम तो और हमको तो रास्ते पता था कि इन रास्तों पे जो है अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, इनकी अभी डेवलपमेंट चल रही है, वो हाजी अली का जो ट्रैक है उस पर चल रही है, और मेरे ख्याल से एक साल भी नहीं हुआ होगा, एक साल के अंदर ही हमने ये सब कुछ देख लिया, ये और ये साल भी नहीं होगा उस वीडियो को देखे और इतना कुछ हमने देख लिया, तभी हमें काफी हद तक मुंबई सिटी के बारे में पता था, और मुंबई सिटी के ऊपर हमने काफी टाइम बाद रिएक्शन करा है ये, क्योंकि टाइम कोई वीडियो आई नहीं रही थी, दूसरे लिंक्स इतने आ रहे थे इधर उधर के, मुंबई के ऊपर नहीं आ रही थी, तो हमने कहा यार 2020 खत्म होने से पहले एक वीडियो तो बनता है यार। मैं सोच रहा था हमने ये लोधा टावर है और दिलिया है और इस तरह की दो तीन बिल्डिंग है जिनपे हमने रिएक्ट किया, और इतनी सारी बिल्डिंग्स है बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची यार, एक ऑफिस था वहां पर रिलायंस का ऑफिस, कितना जबरदस्त, रिलायंस के ऑफिस में हमने किया है, और मैं ये कह रहा हूँ और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं लोधा टावर और एंटीलिया हाउस जो मुकेश अंबानी का, उसके अलावा जो बिल्डिंग्स हैं उनकी भी हमको वीडियो दें यार, सजेस्ट करें वहां पे फेसबुक पे। मैं स्टार्ट करने का सोच रहा था कि मुझे कोई ऐसी व्लॉग किसी के रेकमेंड करें जो व्लॉग इंडिया की फूड स्ट्रीट के हो, या कुछ इंडिया की मतलब ऐसी कोई चीज दिखाए वहां पर जो आम वीडियोस में नजर नहीं आती, लोकल फूड स्ट्रीट टाइप की जो होती है, हर हफ्ते कोई ऐसी एक वीडियो जरूर होनी चाहिए, मैं ये सोच रहा हूँ। हाँ होनी चाहिए, हफ्ते में 7 दिन रिएक्शन वीडियो आपके पास आ रही है, तो उसमें से कोई एक ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल ही लोकली हो, बिल्कुल हमें एक ये खाने पीने का बहुत शौकीन है, मसला ये है ये जो है ना बहुत पेटू है, इसको खाने पीने का बहुत शौक है, इसलिए कह रहा है कि हर हफ्ते जो है, मैं देखना चाह रहा हूँ इंडिया के अंदर हर सिटी के अंदर कौन सी चीज ज्यादा फेमस है और उसकी इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, फिर मैं ताकि घर पे बनवाऊं क्योंकि वो मॉल्स में जो फूड कोर्ट होते हैं वो तो फिर स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, एक ही लेवल है, केएफसी मैकडॉनल्ड और ये सब जितने भी हैं, ओपीडीपी और जितने भी हैं, तो एक स्टैंडर्ड है इनका, एक जैसा होता है, वो जो फूड स्ट्रीट लोकल फूड स्ट्रीट वो तो अलग ही स्टैंडर्ड है, पानी पूरी चाट और पता नहीं क्या क्या दही बड़े और वो क्या होता है छोले भटूरे और वो था पानी पानी पूरी और एक भी तो था यार वो है ना बहुत सारी चीजें, पाव भाजी देसी पाव भाजी और पता नहीं क्या क्या। बहरहाल गाइज एनीवे बहुत अच्छी लगी, जो जो हमने रिक्वेस्ट करी हमें फेसबुक पेज पे जरूर दीजिएगा, ये नीचे जो वीडियोस आ रही हैं ये हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं, इन पे जरूर रिएक्ट करें, इसको प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर रिएक्शन पसंद आया, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।